इसी तरह के जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं और वैसे भी आपस में जो हमारे सोशल गैदरिंग में उसमें तो दो चीजों के बारे में लोग परेशान बहुत दिखाई देते हैं एक तो बालों से महरूमी पर और दूसरे बुढ़ापे से अगर कभी हम बैठ के गौर करें कि बुढ़ापा आने की रफ्तार क्या होती है इंसान पे हम एक चीज डिस्कवर करते हैं कि बुढ़ापा तारी होने की रफ्तार इन किसी भी इंसान में और उसमें उम्र की कैद नहीं है कोई वो है वन डे पर ट्वेंटी फोर आवर्स इंसान हर रोज एक दिन बूढ़ा हो जाता है अगर ये नुक्ता इंसान की समझ में आए तो फिर बुढ़ापे की रफ्तार को रोकना तो मुमकिन नहीं है लेकिन बुढ़ापे की आमद की रफ्तार को हम कम जरूर कर सकते हैं कि जो वन डे पर ट्वेंटी फोर आवर्स की रफ्तार से बुढ़ापा हम प्रतारी होता है इस रफ्तार को हम घटा के अगर ट्वेल्व आवर्स पर ट्वेंटी फोर आवर्स पर ले जाएं या एट आवर्स पर ट्वेंटी फोर आवर्स पर ले जाएं तो भी इंसान बहुत देर तक बुढ़ापे से दूर रहता है और बुढ़ापे को अपने से दूर रखने का एक आसान सा रास्ता यह है कि इंसान खुश रहे तफक्त तो से जितना दूर रहेगा और जितना खुश रहेगा ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ये जरूरी नहीं कि जो शख्स तफक्त से दूर है वो खुश भी हो और ये भी जरूरी नहीं कि जो शख्स खुश है वो तफक्कर तो से दूर भी है तफक्कर तो से दूर रहने का तो आसान सा नुस्खा है जिस पर यहां दर्जनों मरतबा गुफ्तू हुई कि जिस शख्स ने अपने अंदर अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर तोल पैदा कर लिया वो तफक्कर से दूर हो गया और इसी तरह जिस आदमी ने यह राज पा लिया कि खुशी हासिल कैसे की जा सकती वो फिर सारी उम्र खुश रहता है खुशी पाने का आसान तरीन नुस्खा वो है जो फकीर लोग यूज करते हैं कि फकीर सारी उम्र दूसरों में खुशियां बांटता है नतीजा ये है कि खुद वो बड़ा खुश रहता है आसान जुबान में अगर हम इसकी बात करें तो उसको हम यूं कह सकते हैं कि दूसरे को खुशी देने से खुशी हासिल होती है फकीर को देखिए कि वो अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर देता है बड़ी खुशी के साथ बड़ी चाहत के साथ और खुद खाली हाथ बैठता है लेकिन खुश रहता है खुद भूखा के दूसरे को अपना खाना पेश कर देता है और बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में कि जिसको खाना वो पेश कर रहा है उसको ये शुभ भी ना के ये खुद भूखा रह के अपना खाना मुझे दे रहा है फकीर दूसरों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर देता है दूसरों को आराम पहुंचाता है खुद बे आराम बर्दाश्त कर लेता है लेकिन कभी कभार फकीर ऐसी सिचुएशन में भी जा फंसता है कि जो एक नवाब साहब अकेले पुराने जमाने में सफर कर रहे थे तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक मुसाफिर को जहां रात आती थी तो करीबी आबादी जो भी आ जाए उसमें उसको हक था कि उस आबादी के किसी दरवाजे पर नॉक कर दे और कह दे कि मैं मुसाफिर हूं तो लोग मुसाफिर को जगह दे देते थे तो नवाब साहब सफर करते हुए रात आ गई तो सर्दियां थी आबादी को मिल नहीं रही थी तो काफी देर अंधेरे में चलते रहे बिलाखर एक आबादी में पहुंचे तो सर्दी बहुत थी और अंधेरा था तो पहला मकान जो दिखाई दिया उन्होंने उस पर दरवाजे पर नॉक किया तो एक बहुत ही बेचारे जईब आदमी ने दरवाजा खोला और उन्होंने पूछा कि क्या क्या बात है तो नवाब साहब ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं और मुझे रात गुजारना तो उसने बड़े खलूस से उन बुजुर्ग ने कहा कि आइए आइये बिस्मिल्ला सलाखों पर अल्लाह तो की रहमत बन के आप आए हैं तशीफ लाइए अंदर वो एक कमरा था उस कमरे में एक तरफ गधा बंधा हुआ था और एक टूटी हुई चारपाई पाई वो थी और उसमें वो बुजुर्ग सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो यही एक चारपाई है टूटी हुई मैं जमीन पे सो जाऊंगा आप इस चारपाई सोइए तो नवाब साहब ने उस चारपाई को दिए की रोशनी में देखा तो वो तो एक तरह से झूला बना हुआ था टूटी हुई है बांध उसका तमाम नवाब साहब ने उस चारपाई को देख के कहा कि मिया क्या हम इस झोलने में सोएंगे उसने शर्मिंदगी से कहा कि हजू मेरे पास तो यही है तो जब वो लेट गए नवाब साहब तो गदे पर जो गद्दा नुमा चीज डाली जाती है सामान रखने के लिए वो उठा के वो बुजुर्ग नवाब साहब पर देने लगे तो कहने ए, ए, ए क्या कर रहा क्या कर रहा हूं वैशा जी मेरे पास तो सर्दी रोकने के लिए बस यही कुछ है लुमिया हम इस गधे का कंबल अपने ऊपर ओढ़ेंगे हटाओ इसको यहां से तो बेचारे ने हटा दिया और खुद जमीन नंगी जमीन पे बगैर कपड़े के लेट गए बाधी रात जब गुजरी तो साहब को सर्दी महसूस हुई तो हाथ बढ़ा के पर बुजुर्ग से कहने लगी गधे की तरफ के कहा कि इस शख्स को ओढ़ना हमें ओढ़ा दो तो बाज फकीर बेचारा अपने खुलूस में ऐसी सिचुएशन में भी जापसता है तो बात ये हो रही थी कि दूसरों को खुशी देने से खुशी हासिल होती है इसीलिए फकीर को आप देखेंगे कि बड़ी लंबी उम्र पाती है जनाब बाबा फरीदर रहमुल्ला नाइन्टी फाइव ईयर्स की उम्र पाई है और इसी तरह दूसरे बुजुर्ग और उसके साथ ही साथ ऐसा भी है कि आमतौर पर 73 इयर्स ईयर्स की 63 इयर्स ईयर्स की एज में फकीर ये भी एक चीज है अब बुढ़ापे को दूर रखने का नुस्खा तो मेरे इल्म में है लेकिन बालों को कायम रखने का नुस्खा दुशवार है कि वो मेरे इलम में नहीं है अभी तक अगर ठीक जमाने में मेरे मुर्शद ने तो फरमाया था कि मेरे पास नुस्खा है मैं तेल बना के दे सकता हूं तो मैंने कहा चलिए बना दीजिए लेकिन फिर मेरा ख्याल उनके जहन से निकल गया बीमार हो गए तो मैंने भी नहीं कभी उसका नाम लिया इसलिए कि मेरे लिए वो आम नहीं था कि बालों का कोई नुस्खा अपने मुर्शद से ले लू एक बार जब बहुत बीमार हो गए हालत से निजामी तो मैं उनकी खदमत में हाजिर हो गया यह आमतौर पर होता है कि अगर मुर्शद का और शागिर्द का रिश्ता वाकई मजबूत है तो ये मुरीद को अंदाजा हो जाता है कि मेरे मुर्शिद दुनिया से जा रहे हैं मैं तो उठ के उनके पास से आया था तो घर आके अपने मामूलात में मसरूफ हो गया कोई एक बजे जब पारे हुआ तो एकदम से दिल में आई कि मेरे मुर्शिद शायद तकलीफ में है तो मैं फिर गाड़ी पकड़ के वापस चला गया जाके देखा बाकी हालत इंतजाम थी मैं बैठ गया उनके पास बहुत तकलीफ में थे मालूम कैसी उन्हें याद आ गया कहने के मैंने तुमसे वादा किया था कि बाल उगाने के नुस्खा तुम्हें दूंगा तो लिखो अब मुझे तो कतई तौर पर कोई दिलचस्पी थी नहीं लेकिन मुर्शद का हुक्म था तो मैंने कागज पेंसिल अपने मुर्शद साहब ही का उठाया वो जो बोल रहे थे कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा जो लिखा वो भी बेदिली से लिखा महाराज ने कर्म किया मुर्शद साहब को मोलत मिल गई कुछ तो हालत उनकी संभल गई तो मैंने कागज कहीं फेंक दिया वहीं पर वरना शायद वो नुस्खा भी आपसे अर्ज कर देता ये मुर्शद के साथ जो रिश्ता है कबाल का रिश्ता है हमारे यहां लाहौर में एक फकीर आराम फरमा रहे हैं जनाब दातागंज साहब इनकी अजमत कुछ ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी ही में लोग इन्हें दाता साहब कहने लग गए थे अगरचे जब लोग इन्हें दादा के नाम से पुकारते थे तो इन्हें खासी तकलीफ होती थी और वो बिलसार ये कहते थे कि दादा ये की है वो ऊपर बैठा है मैं क्या और मेरी बसात क्या लेकिन लोग भर अकीदत के मारे ने इन्हें इनकी जिंदगी में दादा साहब कहने लग गए थे इनका एक कमाल ये है कि इनके मुरशद तो थे जनाब हजरत अबुल फजल मोहम्मद हसन लेकिन इन्होंने जो इल्म हासिल किया वो जनाब हजरत अबुल कासिम गरगानी साहब से बड़े पाए के बुजुर्गों से बेपना इल्म के मालिक तो जनाब दादा ने रहत कासम गरगानी साहब से इल्म हासिल किया उनका एक बड़ा मशहूर फरमान है कि मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शद की रजा जोई है कि अपने मुर्शिद को राजी रखे अब इसके अंदर एक बड़ी हिकमत छुपी है अगर इसको हम खोलना शुरू करेंगे वरना मुर्शद बेचारे वो भी इंसान है अल्लाह के वैसे ही मोहताज इंसान मुहताज बंदे अल्लाह के जैसे कि मैं और आप हैं लेकिन वो हिकमत है उनकी बात में जनाब हजरत अबुलसम गर्गानी साहब की बात में कि जब हम मुरशद की रजा जोई के पीछे दौड़ते रहते हैं तो होता यह है कि इंसान के लिए सबसे खुशकुन बात ये होती है कि दूसरा आदमी उनकी बात को बिलाचूचरा मान ले हमें अपनी औलाद में भी वही बच्चा सबसे अच्छा लगता है जो हमारी किसी बात के कहने के जवाब में वो क्यों कब कैसे किस तरह इस तरह के सवाल नहीं करता बल्कि बगैर किसी बात के आंखें बंद करके वो हमारी बात को मान लेता है तो इसी तरह मुर्शिद भी इंसान है तो उनको भी वही मरीज ज्यादा भाएगा जो उनकी बात सुनकर सिर्फ उसकी तामील करता है सवाल नहीं पूछता तो जब कोई शख्स मुर्शिद के करीब हो जाएगा उसके दिल के करीब हो जाएगा तो मुर्शिद के पास जो बेहतरीन इल्म है वो अपने उस मुरीद को ट्रांसफर करेगा ये उसके पीछे एक हमत है और मुर्शिद अगर वो इल्म है और कामिल है जो कि आमतौर पर होते हैं तो उनके पास तो इल्म का एक खजाना छुपा है वो खजाना जब ट्रांसफर करते हैं अपने मुरीद को वो मकाम वो हासिल करता है जिसको दुनिया देखती है उसके पीछे हिकमत है जो साहब ने बात फरमाई थी लेकिन दाता साहब के मुर्शद भी बहुत ही आला मकाम के हैं जहां हजरत अबुल फजदल मोहम्मद बिन हसन इनका जो बैत का सिलसिला है वो जनाब हजरत से मिलता है इसीलिए जो लोग वाकिफ हैं वाकिफ, हैं, वाकिफ हाल है वो जनाब दादा रहमतुल्लाह रहमत साहब को सिलसिला जुनैदिया से जोड़ते हैं कि जनाब रहमतुल्लाह अलैह साहब का सिलसिला जाके बिल आखिर जनाब हजरत जुनाब रहमतुल्लाह रहमत साहब से मिलता है जो नसब है वो जनाब इमाम हसन रजील् अनु से मिलता है इनका और खुद जनाब इमाम हसन रजील अनु हजरत अली करमा के बाद सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हसी मैंने जनाब हजरत इमाम हसन रजी तनों का एक किस्सा यहाँ बयान किया था कि जनाब हजरत अली करमल वजू की, की हयात ही में दमिश के गवर्नर ने उनको किसी ने बताया कि जनाब हजरत अली करमल वजूह इम के अला तरीन मकाम पर फायज है उन्होंने एक बहुत मुश्किल सवाल अपने ढूंढा और अपनी महफिल में कहा कि ये सवाल हजरत अली करमल वजह से हम पूछते हैं तो पता चलेगा के हजरत अली करमलाजो इल्म के किस मकाम पर है आदमी को भेजा जब वो आदमी जनाब हजरत अली करमर वजू की महफिल में पहुंचा तो वहां आपके साहबजादगार वही मौजूद थे तो उसने वो सवाल बयान किया आदमी ने कि हजूर गवर्नर ने यह दरिया किया है अदब के साथ आपसे कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग चीज क्या है बेस्तरी इसके कि जनाब हजरत अली करमल जो जवाब देते जनाब इमाम हसन रजी ताला आन। जो अभी लड़कपन में ही में थे फरमाया कि दुनिया की सबसे सख्त और स्ट्रॉन्ग चीज लोहा है फिर खुद ही फरमाया कि लेकिन लोहे को आग पिघला देती है तो इसका मतलब यह है कि आग लोहे से ज्यादा ताकतवर है और आग को पानी बुझा देता है तो यूं पानी लोहे और आग दोनों से ज्यादा ताकतवर हुआ ये पानी बरसता है बादलों से और बादल बनते हैं सूरज की तपिश से तो यूं सूरज की तपिश पानी से ज्यादा ताकतवर है कि उसकी तपिश से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पानी जो भाप बनकर बादल बन जाता है उन बादलों को हवा उड़ाए फिरती है तो यूं हवा बादलों से ज्यादा ताकतवर है पानी से ज्यादा ताकतवर है और इस हवा को चलाते हैं फरिश्ते तो यूं फरिश्ते हवा से ज्यादा ताकतवर है और फरिश्ते मातहत हैं अमरे इलाही के तो यूं अमर फरिश्तों से ज्यादा ताकतवर है कि वो उस किताबें हैं और वो अम्र रब ताला ने हमें अथा फरमाया है तो जनात दाता रहमतुल्लाह अलैह साहब नस्बी तौर पर जनाब हजरत इमाम हसन ताला की औलाद से जनाब दाता की बख्श साहब जनाब हजरत फजल मोहम्मद बिन हसन आपका एक कमाल का फरमान है जो जनाब दाता साहब ने अपनी किताब में भी नकल फरमाया है कि वो कम सोने पर बहुत मुसीर थे कि जो आदमी फकर की राह पर चलता है उसको चाहिए कि कम से कम सोए और कम से कम सोने का मैार जनाब हजरत अबुलफल साहब ने क्या मतयन फरमाया बगैर गलबे के न सोए जब तक के नींद मजबूर न करते इंसान को इंसान पर गलबा हासिल न कर ले उस वक्त तक इंसान को सोना नहीं चाहिए और जब एक बार आंख खुल जाए तो दोबारा सोए नहीं यह मैार है कम सोने का इसी तरह कम खाने के बारे में तलकीन फरमाइए कम बोलने के बारे में तलकीन फरमाइए कि फकीर कम से कम गुफ्तु करें और गौर फिक्र में मुब्त रहे आप ये देख लीजिए कि ऐसे मुर्शद जिन्होंने ये तालीम दी और तरबियत की अपने मुरीद की इससे अंदाजा कर लें कि मुर्शद क्या चीज होंगे कि उनके शागिर्द जनाब दातागंज बख्श रहमत साहब जैसी हस्ती है वो जो मस्जिद की किबला दुरुस्त होने का किस्सा है वो तो आपने पढ़ा होगा और उन दाता साहब की उम्र गालिबन रवायत जैसी है वो बयान कर रहा हूं कि गालिबन पच्चीस छब्बीस साल की थी उस उन्होंने उलमाए जाहिर को नुमार पढ़ाने के बाद दिखा दिया कि जरा इसकी मीनारों की तरफ से तो देखो किबला रुख है या नहीं है क्योंकि उलमाए जाहिर को यह एतराज था कि जनाब दादा साहब की तामीर की मस्जिद वो उसका रुख किबला रू नहीं है बल्कि थोड़ा सा जनूब की तरफ हुआ हुआ है तो आपने नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया कि जरा मीनारों को देखे आप तो वहां लोगों ने अपनी जारी आंख से देखा कि मस्जिद का रुख वाकई खाना काबा की तरफ तो ये मकाम है जब मुर्शिद इंसान का कामिल हो तो फिर इस मकाम को पहुंचते हैं तो हम लोग चूंकि तो तलाश करते रहते हैं मर्शद की और यही बात मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूं कि मुर्शद पकड़ने में या किसी के हाथ पर बैत करने में जल्दी मत कीजिए बल्कि जहां आपका दिल जम जाए वहां उन साहब के साथ वक्त गुजारिए साल छह महीने तो इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप जाहिर चीजों से मुतासर होकर उसे साहब इलम तो नहीं समझे हुए जब साल छह महीने के बाद भी आपका दिल वहां जमा रह जाए तो फिर बैत कर लीजिए फिर वो कैफियत नहीं होगी कि हम लोग जल्दी में बैत करते हैं बाद में बैत तोड़ने के लिए बेचैन नजर आते हैं मुख्त लोगों के पास जाते हैं और उनसे अर्ज करते हैं कि दुआ करें हमारे लिए फिर वो कैफियत नहीं होगी मुर्शद पकड़ने में जल्दी मत कीजिए बैस करने में जल्दी मत कीजिए आराम से जाते रहिए वहां बादब रहिए ऑब्जर्व कीजिए चीजों को साल छह महीने के बाद भी अगर आपका दिल वहां जम जाए तो फिर जरूर बैस कर लीजिए ये किसी साहब ने सवाल वही कर दिया जिसके बारे में मैं भी कर रहा था आपसे कि नफ्स पर काबू पाने के लिए भूख प्यास नींद और गुफ्तों में कमी किस तरह से काम करते हैं एक बड़ी सादा चीज है कि जब आदमी का पेट भरा हुआ होता है तो इंसान पर गनूद की तारी रहती है एक खुमार किसी कैफियत होती है जो उसे गाफिल करती है दूसरी चीजों से जब आदमी ने कम खाया होता है तो वो खुमार पैदा नहीं होता और इंसान को जागते रहने में दिक्कत नहीं होती कि भूख की शिद्दत इंसान को हेल्प करती है जागते रहने में और कम सोने की सूरत तो यह है कि दिन में इंसान अपने कामकाज में मसरूफ रहता है रात को जब जागता है तो कोई काम नहीं होता तो अल्लाह की तरफ रजू करता है या गौर विक्र करता है सबसे ज्यादा इबादत में यकसुई जो पैदा होती है वो रात के सन्नाटे में होती है इसलिए फकीर लोग आमतौर पर अकेले कमरे में बैठ के इबादत करते हैं कि वहां गई, यक्षुई पैदा हो होता ये है कि इस यक्षुई की प्रैक्टिस करते करते कि इंसान रब की तरफ पूरी तरह मत हो जाता है तो कुछ फकीर लोग ये मेथड भी यूज करते हैं ये जानने के लिए कि वो रब की तरफ कितने यकसू होकर मतवज होते हैं वो खास तौर पर जिक्र अल्लाह का लोगों के दरमियान बैठ के करते हैं जहां लोग बातें कर रहे हो और कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाकर जिक्र करते हैं जो पुरुषोर हो या शोर बेता तो वो प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि हम तमाम शोर शराबे के बावजूद रब की तरह रहे लेकिन उसका एक दूसरा बड़ा नुकसान है कि यूं खल के खुदा पर खुल जाती है बात कही बंदा जिक्र कर रहा है जबकि फकर में इंसान अपने जोरत को छुपाता है अपनी इबादत को छुपाता है दूसरों से अपने जिक्र को लोगों से छुपाता है कि वो लोग ये ना कहें कि ये कोई नेक आदमी है इसलिए बहुत से लोग अपने जाहिर को ऐसा बनाए रखते हैं कि लोग धोखा खाते हैं कि बहुत दुनियादार आदमी है वो जोहत को छुपाते हैं कि हजरत अली करमलाजो ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जोह जोहत को छुपाना है और कम बोलने की हिकमत तो बिल्कुल सामने की है कि जब आदमी गुफगू नहीं करता है तो अपने ख्यालों में डूबा रहता है तो जब ख्यालों में डूबेगा तो इंसान गौर फिक्र से काम लेगा और फकर की राह में गौरव फिक्र इंसान को बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं सफर इंसान का गौर व फिक्र के जरिए तय होता है भूख प्यास नींद गुफ्तगु की कमी गुफ्तगु की नीड और सर्वाइवल लिमिट्स क्या हैं इस इनकी लिमिट्स तो मैन टू मैन वेरी कर जाएंगी कोई एक डेफिनेट पॉइंट नहीं बताया जा सकता इसलिए कि हर इंसान की तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है मैन टू मैन वेरी करती है आदमी सिर्फ उतना खाए जो उसे जिंदा रख सके तो एक बार बात हो रही थी मैं अपने मुर्शे साहब की खिदमत में हाजिर था तो आपने बड़े कमाल की बात फरमाई क्योंकि मैं उनसे ये कह रहा था कि साहब एक खाश है मेरे दिल में। कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक रोटी खा लिया करूं और मेरे लिए काफी हो जाए तो उस पर मना फरमाया लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये हो जाता है कि हफ्ते भर में एक रोटी खा के आदमी आराम से जिंदा रहता है तंदुरुस्त रहता है कमजोरी नहीं वाकई होती वो ये है कि हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर फिर लुकमा खाया जाए तो एक दो नवालों में पेट भर जाता है और उससे कमजोरी भी वाकई नहीं लेकिन मुझे मना फरमा दिया तो मुझे चूंकि मुर्शे साहब ने मना फरमाया था तो ये जरूरत नहीं हुई कि मैं उसे आजमा भी लेता तो मैंने कभी उसे आजमाया नहीं लेकिन मेरी उस ख्वाहिश के जवाब में कि मैं हफ्ते भर में एक रोटी खाऊं ये फरमाया था लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती आदमी की जिस्मानी जरूरत के मुताबिक है वो बस उतना खाया जाए जिससे इंसान जिंदा रहे और कमजोरी वाक ना हो नींद के बारे में भी यही है हर इंसान की जिस्मानी जरूरत मुख्तलिफ है तो आदमी कम से कम इतना सो ले कि वो दिन भर में काफिल ना हो चीजों से अपनी ड्यूटी से काफिल ना होने पाए इसका आसान तरीन हल यह है कि हम अपनी नींद को अगर हर हफ्ते पंद्रह मिनट कम कर ले अगर हम नौ घंटे सोते हैं तो आठ घंटे पैंतालीस मिनट सो लें एक वीक, अगले वीक उसे एट एंड हाँ आवर्स पर ले जाएं। फिर एट आवर्स फिफ्टीन मिनट्स पर करते करते रिड्यूस कर मेरा अपना तजर्बा जाती ये है कि बावजूद इतना ऊंचा लंबा चौड़ा जिसम रखने के बावजूद मैं बड़े इतमान से ढाई घंटे की नींद सोता रहा हूं एक बड़ा लंबा अरसा और कभी तंग नहीं हुआ मैं दिन भर में ढाई घंटे की नींद सुबह फजर की नमाज के बाद से छह सात बजे तक सो लिए उसके बाद फिर तकरीबन यू कह लीजिए साढ़े इक्कीस घंटे में कभी ऊंग नहीं आई ना कभी गाफिल हुआ और ये बड़े इतमान से मैंने तीस पैंतीस साल चालीस साल काम चलाया कि अब जब बीमार हुआ हूं तो अब मुश्किल हो जाती है ये आसानी से इतनी ढाई घंटे पौने तीन घंटे नींद बहुत हो जाती है इंसान के लिए मुर्शिद साहब को मैंने सोते नहीं देखा कभी मेरे साथ उन्होंने कार में बड़ा बहुत सफर किया मैंने दौरान सफर उन्हें ऊटते नहीं देखा कभी अलर्ट रहते थे कई बार ऐसा हुआ कि मैं आपके पर हाजिर हुआ कुंडी वगैरह तो लगाते नहीं थे ताला लगाते नहीं थे अपने कमरे को किड़ उसके बंद होते थे तो मैं हल्के से हाथ लगा के देखता था कि आवाज ना पैदा हो ताकि अगर आराम फरमा रहे तो खलल ना हो होते थे लेकिन जो ही जरा सा कवाड़ पर उंगली रखी मैंने एकदम से उठ के बैठ के और पूरी तरह ऐसा भी नहीं कि नींद में बोले पूरी तरह से होशियारी से अलर्ट कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं सो नहीं रहा आ जाओ तुम तो। ये था तो ये प्रैक्टिस की बात है प्रैक्टिस कर ली जाए तो आदमी यहां तक भी चला जाता है और गुफ्तु तो जरूरत पड़ती ही नहीं है आदमी अपना काम खुद करे तो जरूरत पड़ती नहीं गुफ्तु की मास के के जो रोजगार के मामला थे उसमें और रोजगार के मामला में इंसान को कोताही करनी नहीं चाहिए मुर्शद साहब का फरमान था कि ड्यूटी सबसे पहले उसमें इंसान को पूरी तोजो से काम करना चाहिए रोजगार के मामला के अलावा खामोशी से काम चल जाता है इनका अगला सवाल वही था जिसका जवाब मैं अभी दे चुका नस् पर काबू पाने के लिए इन नीड एंड सर्वाइवल लिमिट्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता दें वो तो मैंने अभी आपसे अर्ज कर दिए तो अगला सवाल इनका कि रब की इबादत यकीन बंदे का जाति मामला है मौजूदा जमाने की रोजमर्रा जिंदगी में हम दूसरों से अपनी नमाज और नफरी रोजे को कैसे छुपाएं ये तो कोई इतना दुष्वार काम नहीं है जिक्र करने की जरूरत क्या है अलबत् फर्ज नमाज तो जाहिर है कि वो बाजमात पड़ी जाएगी जाएगी। लोगों के में आ जाएगी। लेकिन जो नफली इबादत है हमारी उनको हम बड़ी खूबसूरती से छुपा सकते हैं जिक्र करने की बात ही क्या है कहीं अगला इनका सवाल है कि आपने बड़े शाह निक्र फरमाया कि जाहिर से बात इनका पता न चलने पाए इसमें क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए कि बात इन पोशीदा ही रहे हम असल में अपनी इबादत का बहाने बहाने जिक्र करते रहते हैं अपनी पारसाई का जिक्र भी बहाने से हम करते रहते हैं इससे अपने आप को रोक लिया जाए और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि कोई मिलने आया तो उससे कह दिया कि मैं सात बजे तक फारिग हु उसके बाद मेरी इबादत का टाइम शुरू हो जाएगा मैंने शाह साहब को यह कैसे कभी नहीं सुना कि तुम जाओ मेरी अब इबादत का टाइम है बैठे रहिए तो जाहिर नहीं होने देंगे तो इनको तो छुपाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं ये अगला सवाल है इनका कि नजर की हिफाजत से क्या मुराद है नफ्स पर काबू पाने में नजर की हिफाजत का क्या किरदार है मौजूदा जमाने में किन चीजों से नजर की हिफाजत की जानी चाहिए और कैसे बड़ी आसान सी चीज है हम गैर महरम जानबूझ कर ना देखें कभी जो तो गैर इख्तियारी नजर पड़ती है वो उस पर तो कंट्रोल नहीं लेकिन इख्तियारी तौर तो पर उधर ना देखें हम गुनाह की जगह पर ना जाएं जहां गुनाह हो रहा है बेशक हम गुनाह ना करें इन चीजों से अगर परहेज कर ली तो नजर की हिफाजत हो जाएगी कि नफ्स पर खुद बहुत खुद काबू पाने लगता है इंसान बुजुर्गान दीन के मजारात पर जाकर आमतौर पर एक सुकून का एहसास होता है इसके मुकाबले में बड़े साहब के मज़ार पर जाकर प्रीडोमिनेंटल इससे मुराद पता नहीं क्या है मोहब्बत का एहसास होता है इस बारे में कुछ हिशात फरमा दें तो फकीर के जिंदगी में जो रवैये होते हैं उनके मजार पर असरा रफाला वैसे ही कायम कर लेता है दादा साहब के यहां जाइए तो वहां खल के खुदा हजूम किए हुए होती है उसके बावजूद वहां मोहब्बत का एक एहसास होता है इसलिए कि जनाब दादा गंजब रहमत साहब के, के जिंदगी में यही रवैये थे खल के खुदा के लिए वही असरात उनके रेस्टिंग प्लेस पर हैं। जनाब हजरत मियामीर साहब आप जिंदगी में भी सीधा सीधा लोगों से मिलते रहे अपने पसंद के लोगों से आपके मजार पर आप देखिए कमी लोग जा पाते हैं सीधा सीधा लोग जाएंगे वहां उस तरह का हजूम और रश कभी नहीं देखेंगे आप जैसा दादा साहब के यहां है इसी तरह जहां शाह साहब उनके बुलंद फरमाए आपने जिंदगी में दो चीजें बयापक चलाई थी ये कमाल का एक बैलेंस वर्कआउट हुआ था बहुत मोहब्बत से मिलते थे हर एक से। लेकिन एक लिमिट के अंदर रखते थे सबको किसी को लिबर्टी नहीं लेने देते थे वितकल्फ नहीं होने देते थे वो। और जहां किसी शख्स ने फालतू बात की बड़ी शिद्दत के साथ उसको तो डांट पिला दी एक साहब है, है हैं जो हयात के अल्लाह ताला तिंदगी अता फरमाए साहब के पास आया करते थे घर से अब उनका दावा ये होता है कि मैं आपका पीर भाई हूं पीर भाई कभी भी नहीं थे वो ये आते थे वहां और दुनियावी दुआएं कराने शाह साहब इस बात से चढ़ते थे कि दुनिया की दुआ कराई जाए तो एक बार इन साहब ने साहब से कहा कि मैं बड़ा मुश्किल में हूं दुआ कर दे तो मैंने शाह साहब की तरफ टेड़िया आख से यूं देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि नागवारी आई है तबीयत में तो मैंने इन्हें इशारा किया कि दुआ न कराए लेकिन वो साहब भी हटके पक्के हैं तो जवाब नहीं दिया शाह ने दो मिनट के बाद इन्होंने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैंने फिर हाथ इनकी टांग को इस तरह दबा के कहा कि छोड़ दे मत दुआ कराए तो इन्होंने कहा कि दुआ कर दें तो नागवारी और बढ़ गई चेहरे पर मेरे बावजूद मना करने के ये बात नहीं आए थर्ड टाइम भी पूछ लिया तो एकदम से साहब पलटे इनकी तरफ से थे और कहने लगे क्यों क्यों दुआ कर दू अच्छा वक्त गुजारने के लिए तुम हो और बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा जाके भुगतो इसको वो अभी तो भुगत रहे शाह साहब ने ये बैलेंस कायम रखा हुआ था मुझे एक जमाने में गुस्सा बहुत आने लग गया मैं अपने उसको गुस्से की वजह से शर्मिंदा होता था तो मैंने मौका देखा कि शास मूड में हम आ रहे थे पाक शरीफ से वापस तो मैंने कहा कि हजूर ये गुस्सा बहुत है तो वो एक दरमियान में अल्लाह ताला मदद कर देता है कि हम आ रहे थे वापस इस्लामाबाद से तो जी जीटी रोड ही थी तो वहां एक ट्रक वाले ने मुझे साइड मार दी तो मुझे गुस्सा आया तो वो ट्रक वाला भागा और फिर बिलाकर एक गांव की तरफ कच्चे में मुड़ गया ट्रक भगा के ले गया तो साहब ने हंस के कहा कि अकलमंदी की के भाग गया वरना आज वो मारा जाता तो वो एक वाकया उनके सामने हो चुका हुआ था तो मैंने कहा हजूर गुस्सा बहुत आता है और मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ तो दुआ फरमा हो जाए गुस्सा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दिया कि हो जाएगा खत्म हो गया अब वो गुस्सा ऐसा खत्म हुआ कि एक दिन फिर खुद ही मोर्श साहब फरमाने लगे कि मिया सांप बेशक डसे नहीं लेकिन अपनी फनकार न छोड़े वरना कल के खुदा मार देती तो तुम अपनी फनकार ना छोड़ो ये वो बैलेंस का एक सबक था वो बैलेंस चूंकि रखा हुआ है था शाह में अपनी जिंदगी में कि मोहब्बत भी बेपना लेकिन हर इंसान को एक हद पर उसे आगे नहीं आने देंगे तो यू आपके मजार पर जब जाएं तो वहां मोहब्बत और शफकत का एहसास बहुत है लेकिन उसके साथ ही साथ इंसान दहलता भी है कि इंसान लिबर्टी नहीं ले सकता वहां ये तासर उनकी जिंदगी का है इनशा तला नेक्स्ट संडे बशरते मुलाकात होती है असला